हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग विथ राज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, तो चलिए इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे इसका क्या असर देखने को मिल सकता है इसके आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। सारा चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ के लिए अभी आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हमेशा प्रेस करके रखिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिटेल्स में। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 30 जुलाई 2021 को टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस 294 रुपये पे ओपन हुआ था, 293 रुपये 25 पैसे का लो बनाया था और 300 रुपये तक का हाई भी हमें देखने को मिला था। फाइनली 294 रुपये 40 पैसे पे क्लोजिंग हुई थी और यहाँ पे हमें 0.51% की इंटरडे में ग्रोथ देखने को मिली थी। तो ठीक ठाक ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला था, एक कांस्टेंट वे में क्लोजिंग हुई थी, तो अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिली। अब चलिए इस न्यूज़ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये है वो न्यूज़ जो टाटा मोटर्स की तरफ से निकल कर आती है। टाटा मोटर्स जो है घरेलू बाज़ार में 28,900 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, चलिए और भी डिटेल्स में जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। टाटा मोटर्स समूह 2021-22 में अपने घरेलू कारोबार और JLR में 28,900 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के विकास पर भी निवेश कर रहा है, कंपनी के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने शुक्रवार को कहा। कंपनी उचित समय पर अपने इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी कारोबार के लिए अलग से पूंजी जुटाने पर भी विचार करेगी। कंपनी की वर्चुअल AGM को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्यम से लंबी अवधि में इसकी 25% बिक्री ईवी से हो रही है, जो वर्तमान में 2% है। कंपनी के निवेश व्यय विवरण पर एक शेयरधारक के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, वित्त वर्ष 21 के लिए यह 19,800 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 22 के लिए योजना 28,900 करोड़ रुपए है, जो मूल रूप से वार्षिक आधार पर JLR के लिए 2.5 बिलियन पाउंड और 3,000 रुपए है, टाटा मोटर्स के लिए करोड़ से 3,500 करोड़ रुपए। यह कहते हुए कि कंपनी हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों में निवेश कर रही है, उन्होंने कहा, हम हाइड्रोजन में निवेश कर रहे हैं और वास्तव में हमें इंडियन ऑयल से 15 वाहनों के लिए पहला ऑर्डर मिला है और हमारे पास हाइड्रोजन में बहुत काम चल रहा है। ईंधन सेल क्षेत्र, उन्होंने आगे कहा, हम पहले ही 7 ऐसे वाहनों का उत्पादन कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास 15 वाहनों के ऑर्डर हैं, लेकिन यह सब परीक्षण के चरण में है और हमें एक दीर्घकालिक योजना बनाने की जरूरत है, हम इस पर काम कर रहे हैं। EVS पर चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा मोटर्स का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और मध्यम से लंबी अवधि में सेगमेंट से आने वाली कम से कम 25% बिक्री पर नजर गड़ाए हुए है, जो वर्तमान में 2% से अधिक है। उन्होंने कहा, हम 2025 से कम 10 मॉडल लॉन्च करेंगे, इसलिए हमारे पास आक्रामक विकास योजनाएं हैं और इसके लिए हम उचित समय पर अकेले ईवी सेगमेंट के लिए पूंजी जुटाएंगे। लास्ट माइल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के लिए ईवी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके अलावा टाटा मोटर्स सस्ती EVS पर काम कर रही है और कंपनी की टिगोर ईवी एक उच्च रेंज के साथ आएगी। ईवी घटकों के कारोबार के लिए टाटा मोटर्स की योजनाओं के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हम अध्ययन कर रहे हैं और इसमें अवसर होंगे। वास्तव में हम टाटा मोटर्स के बाहर एक अलग बैटरी व्यवसाय स्थापित करने पर भी विचार कर रहे हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर उन्होंने कहा, हमारी योजना चार्जिंग स्टेशनों पर काफी विस्तार करने की है। टाटा मोटर्स टाटा पावर के साथ काम कर रही है और हम कम से कम 25 शहरों में विस्तार कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में कम से कम 1,000 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। उद्धरण चिन्ह, सेमीकंडक्टर की कमी के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी वैकल्पिक स्रोतों पर विचार कर रही है और प्रगति कर रही है। वास्तव में हम इस स्तर पर कारों को बेचने और ईवी का उत्पादन करने में सक्षम होने के कुछ कारण मुख्य रूप से इसके कारण हैं। JLR पर हम सेमीकंडक्टर निर्माताओं के साथ सीधे काम करने सहित कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। उन चर्चाओं जारी हैं और उनके साथ विशेष अनुबंधों पर बातचीत की जा रही है। इस सवाल पर कि मार्क लिस्टोसेला टाटा मोटर्स के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की घोषणा के बाद क्यों शामिल नहीं हुए, चंद्रशेखरन ने कहा कि वह व्यक्तिगत कारणों से शामिल नहीं हुए क्योंकि वह भारत में स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं थे। इस साल फरवरी में 1 जुलाई से टाटा मोटर्स के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में लिस्टोसेला की नियुक्ति की घोषणा की गई थी,
लेकिन एक महीने बाद कंपनी ने कहा कि वह पद नहीं संभालेंगे। वह फुसो ट्रक एंड बस कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ और एशिया में डेमलर ट्रक्स के प्रमुख थे। सरकार द्वारा घोषित वाहन कबाड़ नीति और कंपनी की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर चंद्रशेखरन ने कहा, हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि परिचालन के संदर्भ में इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए और हम क्या करें। यह पूछे जाने पर कि क्या टाटा मोटर्स गैर प्रमुख संपत्तियां बेचेगी, उन्होंने हाँ में जवाब दिया लेकिन विस्तार से नहीं बताया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टाटा मोटर्स का जो न्यूज़ निकल कर आया उसके बारे में सारा चीज़ें बता दी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को हमेशा प्रेस करके रखें। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।